जिनको मैंने हमेशा अपना रोल मॉडल माना है, शहीद भगत सिंह को, उनकी ये बुक पढ़ के मैंने, एक बुक मैंने शायद 50 से ज़्यादा बार पढ़ी होगी। So you're known for your strong leadership both on and off the field. What are some key lessons you've learned about leadership through the cricketing journey? Honesty, accountability, responsibility, and the most important thing is treating everyone exactly the same way. क्योंकि मेरे को अभी तक ये भी समझ नहीं आया कि ये सीनियर जूनियर इंटरनेशनल डोमेस्टिक इसकी क्या ज़रूरत है, बिकॉज जब आपका मकसद एक है, जब आप सब मिलके एक ही गोल अचीव करना चाहते हैं, तो उसमें सीनियर जूनियर छोटा बड़ा इंटरनेशनल डोमेस्टिक होता ही नहीं। और जैसे सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ड लीडरशिप में आपकी ऑनेस्टी और आपकी अकाउंटेबिलिटी है। अगर आप ऑनेस्ट हैं, अगर आप ऑनेस्टी के साथ काम करते हैं, अगर आप टीम को आगे रख के सारे डिसीजंस लेते हैं, तो यू आर अकाउंटेबल ऑल्सो। क्योंकि एज ए लीडर सिर्फ एप्रिसिएशन लेना आपकी जिम्मेदारी नहीं है, सबसे पहले आगे खड़े होकर क्रिटिसिज्म लेना भी आपकी जिम्मेदारी। क्योंकि अगर आप लीडर बनना चाहते हैं, तो फिर आप में उतना ही बड़ा हार्ट होना चाहिए कि आप क्रिटिसिज्म भी सबसे पहले लीजिए। एप्रिसिएशन आपको मिलती है तो आप वो भी एक्सेप्ट करिए, लेकिन क्रिटिसिज्म भी एक्सेप्ट करिए। ये नहीं हो सकता कि एप्रिसिएशन के लिए आप खड़े हो जाए और क्रिटिसिज्म के लिए किसी और को खड़ा कर दे। दैट इज नॉट हाउ लीडर्स बिहेव। लीडरशिप एंड अ लीडर इज मेंट टू टेक अ बुलेट फॉर हिज प्लेयर्स, एंड लीडर की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि अपने प्लेयर्स के लिए, उनके लिए लड़ना, उनके लिए खड़े होना, और उनके आगे खड़ा होना, उनके पीछे खड़ा होना नहीं। तो ये जो कई चीज़ें, और ये चीज़ें मैंने इनफैक्ट किसी से सीखी नहीं है, ये इनफैक्ट जिनको मैंने हमेशा अपना रोल मॉडल माना है, शहीद भगत सिंह को, उनकी ये बुक पढ़ के मैंने, एक बुक मैंने शायद 50 से ज़्यादा बार पढ़ी होगी विदाउट फेयर, तो उस बुक से सीखी है सारी कि अ लीडर शुड बी लाइक व्हाट। और लीडर अपनी बिलीव्स पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। लीडर्स अपनी बिलीव्स के लिए सफ़र कर सकते हैं, लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। तो अगर आप अपनी बिलीव्स के लिए सफ़र करने के लिए रेडी हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए नहीं, देन यू आर अ ट्रू लीडर।